हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सबको। आज मैं सूजी और पनीर से बेहद चटपटा नाश्ता बना रही हूँ जो सबको बेहद पसंद आएगा। इतना टेस्टी लगता है ना ये खाने में। इसको आप मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हो और तीखी चटनी के साथ भी, दोनों के साथ अच्छा लगता है ये। तो ये देखिए, लिए मैंने ये पनीर का टुकड़ा और मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। देखिए, सबसे पहले हमको यही करना है, उसके बाद मैं इसको ग्रेट करके रख लूँगी। और फिर अभी और दूसरी चीज़ें बताती हूँ क्या क्या करना है। तो अभी मैंने इसमें डालने के लिए क्या क्या लिया है, देखिए इसमें लिए हरी मिर्च, धनिया, हरा धनिया चाहिए तो इसको हम कट करके रख लेंगे। और ये अदरक का एक इंच टुकड़ा चाहिए, लहसुन के कुछ वो कलियाँ चाहिए और इनको हमको ऐसे खलबट्टे में कूट लेना है और ये रख लेना है। ये हो गया हमारा तैयार, अदरक लहसुन। और ये जीरा और काली मिर्च है तो इसको कूट, इसको भुना हुआ है, इसको कूट लेंगे हम। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, गरम मसाला। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, पैन गरम करेंगे, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। उसके बाद उसमें मैंने सौंफ डाला, वो थोड़ा सा फ्राई हो गया, फिर जीरा डाला, फिर अजवाइन डाला। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ इसमें, हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और ये इसके बाद अब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाता है सारा कुछ अच्छे से, तो मैं अदरक लहसुन जो कूट के रखी थी वो डाल दूँगी। अब उसको थोड़ा सा भून लेना है। फिर ये डालना है हरी मिर्च कटी हुई, ये इनको सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम इसे। और इसके बाद मैंने जो मसाला तैयार किया है ना, वो मसाला डाल दूँगी मैं इसमें और इसको थोड़ा सा भून लूँगी। और फिर अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब पानी में एक उबाल आना चाहिए, तब तक हमको वेट करना होगा। जब पानी में एक उबाल आ जाएगा, देखिए ऐसे, तो हम पनीर डाल देंगे जो हमने ग्रेट करके रखा है। ये हमारा पनीर, इसको डाल के थोड़ा सा चला देंगे और बस तुरंत ही हमको इसमें नमक डाल देना है। और नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना आप नमक खाते हो उस अनुसार डालें। ये है सूजी, एक कटोरी सूजी है, ये सूजी हम डालेंगे। और ये है हरा धनिया कटा हुआ जो हमने काट के रखा था, ये डाल के अब हमको इसको मिला लेना है अच्छे से। और तब तक चलाना है जब तक कि ये मतलब एक डो का शक्ल ना ले ले। ऐसे ऐसे अपन आटा बनाते हैं उस तरह का हमको इसको बना लेना है। और वो देखिए, ये कुछ इस तरह से चला लगातार चलाएंगे और बस थोड़ी ही देर में ऐसा शेप ले लेगा, ये डो बन जाएगा। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, ये तैयार हो गया है हमारा। इसको हम प्लेट में निकाल के ऐसे रख लेंगे और इसके बाद मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। तो इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। और फिर देखिए कितना भाप, बहुत गर्म है, हाथ से ऐसे जल सा रहा था, पर इसको ऐसे ही मिलाना पड़ेगा हमको। अब कुछ इस तरह का ये हम इसको तैयार करके रख लेंगे। और बाकी देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, बढ़िया एकदम तैयार हो गया है बनाने लायक। अब हम लेंगे बेसन, बेसन और इसके बाद मैंने लिया हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लिया है वो हल्दी पाउडर, नमक और अपना चाट मसाला लिया है मैंने और थोड़ी सी लाल मिर्च, इन सबको मिला लेना अच्छे से। और इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। इसके बाद इसको हम अच्छे से ऐसे मिला, मिक्स करने के बाद में बस उधर हमने गैस पे कढ़ाई रखा हुआ है और उसमें तेल डाल दिया है, गरम हो रहा है अच्छे से, तेल एकदम खोलना चाहिए। तो तब तक मैंने उधर रख दिया, वो गरम हो रही है, तब तक मैं इधर ये तैयार कर रही हूँ। तो ये अब यहाँ तैयार हो गया, मैं घोल बना लिया जो बेसन का तैयार हो चुका है। अब मैं कुछ इस तरह से, आप किसी भी शेप का अपने पसंद के अनुसार कोई भी शेप दे के ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसे बना रही हूँ तो मुझे ऐसे बड़ा का शेप देना है, तो मैं इसके, आप बड़ा भी कह सकते हैं, आप जिस भी शेप में चाहे बना सकते हो। तो ये इस तरीके से मैं बना बना के पहले रख लूँगी, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं कैसे इसको तलूँगी। इतना टेस्टी लगता है ना, आप लोग ज़रूर बनाइए और बहुत अच्छा लगता है। इस इसको हरी चटनी और उसके साथ, दोनों के साथ खा सकते हैं। मेरे बच्चे तो एक मेरी बेटी मीठे पसंद करती है, बेटा तीखा, तो मैंने दोनों के पसंद का बनाया है। तो ये देखिए,
ऐसे ऐसे मैं बना के रख लूँगी। अब देखिए हमारा कढ़ाई पूरा तरह तेल एकदम गर्म है, खौल रहा है, तो मैं इस तरीके से कुछ हमको एकदम डिप कर देना है, इस जो हमने बेसन का बनाया हुआ है ना घोल उसमें, और हम सब डाल देंगे इस तरह से। सारा डाल दिया मैंने, अब इसको तुरंत नहीं चलाना है, थोड़ा रुक के देखिए इस तरह से कुछ जब नीचे की वो सिक जाए ना फिर हमको पलटना है इसको इस तरह से, और पलट पलट के हम सेक लेंगे। सारा तैयार हो जाएगा हमारा, अच्छे सेकते रहेंगे सेकते रहेंगे, हम थोड़ी सी कम आँच करके सेकेंगे हम, ताकि अच्छे से पूरा बढ़िया सेक जाए और ये बहुत अच्छा कुरकुरा सा हो जाता है ऊपर से, तो बेहद टेस्टी लगता है ये। तो इस तरीके से आप बनाइए और खाइए मस्त नाश्ता। तो देखिए इस तरह से मैंने बनाया, और अब ये पलट पलट के मैं इसको सेक रही हूँ, बार बार देखते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में तो कुछ, और आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा, आप लोग ज़रूर बनाइए। अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो इसको बार बार बनाना चाहेंगे। इसको हम बच्चों के नाश्ता में बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, और शाम सुबह कभी हमारा मन करे कुछ चटपटा खाने का तो हम ये बनाएं और खाएं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ये तीखी चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये तीखी चटनी भी देखिए पीस लिया है। इसमें मैंने धनिया मिर्ची, एक टमाटर और नमक लहसुन ये सब डाल दिया है, और ये चटनी तैयार है एकदम बहुत टेस्टी सी। और ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इस तरीके से अंदर से दिख रहा है ना कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसको मैं ये देखिए ये है, मैंने एक घर पे ही बनाया है टोमेटो केचप, तो वो है, और ये मिर्च तली हुई, इसमें नींबू मिर्ची डाल के ये भी रेसिपी मैंने डाला हुआ है, ये दोनों रेसिपी मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। मैंने एक और शेप बना लिया था इस तरह का कुछ, तो ये देखिए ऐसा, तो फिर ये मतलब दोनों तरह का बना लिया, और फिर इस तरीके से आप बना सकते हैं खा सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।